what we are going to discuss here in the next session. So it's a session on problem solving and ideation workshop. Okay. So again, just a minute, ma'am. Sorry to interrupt you. Sir, can you present your screen? Yeah, sure. Yeah. Then you can start, ma'am. Okay. So we're starting the presentation, right? Yes, exactly. Okay, so over to you. Okay, start your presentation. Yeah, so basically, here we are. Just present the screen and then you can start. Yes, ma'am. Anything left? No, no, sir. No, sir. I just wanted to give the introduction. It's done. Okay, okay. Yes, sir. You can start. So basically, in the second session, we are going to talk about problem solving and ideation workshop. So here we will discuss how to convert your idea into a business model, how you can continue your idea into your idea into a dream company. So the first thing is, what is a startup? And here I need your attention and as well as your interaction. Because first में story थी जहाँ पे मैं सिर्फ बोल रहा था it is fine, but ये आपके लिए है, आपके ideas को startup में convert करना है, so I really need your interest as well. So अगर यहाँ पे कहीं पर भी आपको doubt आता है, so just raise your hands or unmute your mic and tell the question. क्योंकि आज नहीं पूछा तो next पता नहीं कौन सा session होगा जब आप पूछ पाओगे ये सारी चीजें दोबारा जब होगी तब. So don't wait for that moment. कहीं पर भी doubt आता है तो आप पूछ लीजिएगा. Yeah. So what is startup? So basically कोई defined language नहीं है कि जैसे speed की होती है. तो ऐसे startup की कोई defined language नहीं है कि इसी चीज को आप startup बोल सकते हो, बाकी किसी चीज को आप startup नहीं बोल सकते. But in my language, the venture which can understand consumers need and solve their problem uniquely. तो जिस कंपनी में जो फाउंडर्स है, जो वो पोटेंशियल होता है उनमें की एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने आइडेंटिफाई की, काफी लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जो इनिशिएटिव लेते हैं, सो आई एम पर्सनली फील कि उस चीज को हम स्टार्टअप बोल सकते हैं. इट कैन बी ए एनजीओ और इट कैन बी ए ह्यूज कंपनी और इट कैन बी ए जस्ट अ स्मॉल कंपनी, इट कैन बी एनीथिंग, बट यू कैन से अ स्टार्टअप. So why innovation is important? So these are the two huge example of innovation. The first one is a step well, and the second one is a Sindhu Ghati Sabhyata, and both are belongs from the India itself. And ये उस era से पहले की चीजें हैं जब हमें पता भी नहीं होता था कि 100 किलोमीटर से आगे क्या हो रहा है. किसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजिटल एरा नहीं था, उस टाइम पे भी ऐसी चीजें बनाई गई थी एंड वी डोंट इवन नो कि स्टेपवेल की एक्चुअल जो यूजेबिलिटी है वो क्या थी. एनी ऑफ यू नो कि स्टेपवेल यूज क्यों होता था? ओके, सो बेसिकली स्टेपवेल सिर्फ इसीलिए यूज नहीं होता था कि पानी जब नीचे जाता है तो बाय यूजिंग दैट स्टेप वी कैन यूज द वाटर. उसको डेवलप ऐसे किया गया था कि जब भी समर में गर्मी होती है तब रात को कोई भी फंक्शंस करने होते हैं तो आप स्टेपवेल में कर सकते हो. उस टाइम पे फैन नहीं थे, एसी नहीं था, तो रात को कहाँ पे बैठ सकते थे. सो दिस इज द प्लेस कि जहाँ पे आप बैठ के कोई भी फंक्शन है, सोशल फंक्शन है, वो अटेंड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो. सेकेंड वन इज सिंधु घाटी सभ्यता. जो चीज जो हम टाउन प्लानिंग कहते हैं वो उस टाइम से आ रही है, बट उसके उस टाइम के टाउन प्लानिंग में और आज के टाउन प्लानिंग में सिर्फ फर्क इतना है, उस टाइम पे ज्यादा ऑर्गेनाइज था, आज कम ऑर्गेनाइज है. आज हम ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उस टाइम पे कम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है. सिर्फ वेस्टर्न में जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं उसको कॉपी करके हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियाज प्रॉब्लम और
geographical problem, and then you can come up with a very innovative solution which is actually feasible for the India. Let's take an example of metro Mumbai में, जहाँ पे metro बन रही है, तो वहां पे पहले रोड हुआ करते थे, अब ना रोड है ना मेट्रो है, क्योंकि मेट्रो बन रही है और उसी रोड पे तो मेट्रो बन रही है, तो लोग जाएंगे कहाँ से, ट्रैफिक जाम हो रहा है. जब तक मेट्रो बनेगी तब तक मुंबई की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि और मेट्रोज बना डेवलप करनी पड़ेगी. सो दीज आर द ह्यूज प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग, बट ओनली इंडियंस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जापान में बुलेट ट्रेन चल रही है, सो इंडिया में भी चला दे. लंदन में मेट्रो चल रही है, मुंबई में भी चला दे. दिस कांट बी अ सॉल्यूशन फॉर मी एज ऑफ नाउ, बट सिर्फ वेस्टर्न ट्रेंड को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इंडिया के लिए सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे. सो व्हाट आर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स फॉर द स्टार्टअप? सो द लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विद द फार्मिंग, क्योंकि फार्मर्स आर वेरी इन लाइमलाइट नाउ डेज, सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड होल द प्रोसेस. सो द सीड, आपके पास एक सीड है चंदन के पेड़ का, आपने हाथ में रखा, आपको पता है कि ये जब भी बड़ा होगा 5 साल के बाद 10 साल के बाद बहुत पैसा मिलेगा, बट यू आर जस्ट स्टेयरिंग द सीड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सीड टू होल योर कनेक्शन. आपने अपने फ्रेंड को बताया मेरे पास ये सीड है, देखो यूनिक है, ये है वो है, आपने सारे फैमिली फ्रेंड्स प्रोफेसर सबको बता दिया, बट आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ना आप इस पे कुछ काम कर रहे हो, ना इसको बो रहे हो, ना उसको पानी दे रहे हो, ना उसको नर्चर कर रहे हो, तो वो सीड का कुछ नहीं होगा, वो पड़ा पड़ा वहां पे खराब हो जाएगा. इट्स द सेम थिंग विद द आइडिया, आपके पास इनोवेटिव आइडिया है बट आप सिर्फ सोच रहे हो कि ये तो करना ही है, ये तो इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, बट आप उस चीज को नर्चर नहीं कर रहे हो, तो वो आइडिया किसी काम का नहीं है, क्योंकि वेल्थ आइडिया की नहीं है, वेल्थ एग्जीक्यूशन की है, वेल्थ टीम की है, वेल्थ प्रोडक्ट की है. जब वो आइडिया एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ वेबसाइट और एज अ प्रोडक्ट बन के जब बाहर आएगा, लोगों तक पहुंचेगा, उनके फीडबैक्स मिलेंगे और इम्प्रूव होगा, तब ये स्टार्टअप होगा. सो नेवर थिंक कि मेरे पास बिलियन डॉलर आइडिया है. बिलियन डॉलर आइडिया सबके पास होता है, बस कोई एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता और नहीं करता. सो सेकेंड थिंग, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये भी सॉल्व करना चाहता हूँ, ये भी सॉल्व करना चाहता हूँ, ये भी सॉल्व करना चाहता हूँ, ये भी सॉल्व करना चाहता हूँ. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक ही प्रोडक्ट के साथ सबके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दें. सो डोंट गो विद टू मैनी सॉल्यूशन और नेवर थिंक अबाउट टू मैनी प्रॉब्लम्स. बी फोकस विद द वन सॉल्यूशन कि जिस पे आप काम करना चाहते हो, जो या तो निश मार्केट साइज है या बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी वहां पे है, वहां पे प्रॉब्लम है और सिर्फ उसी के लिए सॉल्यूशन है. ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट में सबको सेटिस्फाई करना चाहते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. सो थिंक वन सॉल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, अब मुझे आगे काम करना है, इसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट थिंग इज वैलिडेट द आइडिया. कि जो लोग आपने लाइक सपोज एक प्रोडक्ट बनाई है जो आपको सेल करनी है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये किस इंसान को आप सेल कर सकते हो, उसकी एज क्या होगी, जेंडर क्या होगी, वो कहाँ पे लोकेट करता होगा. सो उन लोगों के पास जाओ, वहां पे जाके उनसे क्वेश्चन करो. तो उसमें भी ट्रिक्स होती है कि आप डायरेक्टली अगर ऐसे जाके बोलेंगे कि आई एम वर्किंग ऑन द स्टार्टअप एंड आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी और आई एम अ को-फाउंडर ऑफ द कंपनी, तो ड्यू टू ह्यूमन टेंडेंसी कोई भी आपको यही बोलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो. नेवर आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. जब मैंने एक्सोकेयर में जब स्टार्ट कर रहा था, तब बहुत सारे मेरे ऐसे क्लासमेट्स थे कि जिनके साथ मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा था कि वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन दिस आइडिया. दे इवन डोंट नो अबाउट एक्सोकेयर एंड गेट साइकिल, बट आफ्टर 2-3 मिनट्स दे सेड बहुत सरस आइडिया है, करवा जेवू है. एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ वैलिडेशन.
क्योंकि ना तो वो लोग प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, ना उनको पता है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या. इन माई केस डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स वर द ओनली पर्सन हु कैन वैलिडेट माई आइडिया. सो आई रीच आउट देम. सो हाउ यू कैन वैलिडेट योर आइडिया, सो देर आर थ्री सिंपल मैथड्स. फर्स्ट यू कैन यूज सर्वे, गूगल फॉर्म से आप सर्वे कर सकते हो. जस्ट गो एनी रेंडम प्लेस एंड टॉक द स्ट्रेंजर्स कि ये प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे. अर्ली डेज में आपको खुद ही असल करना पड़ेगा. आप छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को हायर नहीं कर सकते. सो कभी भी ये मत सोचो ये काम तो बहुत छोटा है, मैं नहीं कर सकता. अगर स्टीव जॉब्स ने ये सोचा होता तो एप्पल नहीं बनी होगी होती, और मार्क जुकरबर्ग ने ये सोचा होगा कि मैं इतने छोटे स्केल पे ऐसे बग के साथ सॉफ्टवेयर रन करूं करता हूँ कॉलेज में, तो लोग क्या सोचेंगे. तो फेसबुक कभी नहीं बन पाया होता. सो ऑलवेज थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो. देन यू कैन जस्ट डू अ बल्क मेल, कि आप लोगों को बल्क मेल करके रीच आउट करो. सो दीज आर द वे यू कैन वैलिडेट योर आइडिया. एंड आफ्टर द वैलिडेशन यू कैन थिंक अबाउट द फिजिबिलिटीज, कि जब आप वैलिडेट करते हो तो काफी सारे लोग हैं जो हाँ बोलेंगे, जो ना बोलेंगे, और उसके बाद कुछ सजेशन भी देते हैं. तो आप वो सारी चीजें जब कंबाइंड करते हो तो एक थॉट प्रोसेस आएगी कि आप इसमें से क्या क्या कर सकते हो, और आप फिजिबिलिटी देख सकते हो. किसी ने बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा बट द प्रोडक्ट कॉस्ट इज टू हाई कि कोई परचेस ही नहीं कर सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है कि लोग उसे परचेस कर पाए. सो इट्स नॉट एट ऑल फिजिबल फॉर एनीवन. तो आप उसको स्टार्टअप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा आइडिया हो. सेकेंड, चाहे कितना भी अच्छा आइडिया हो वो टेक्निकली भी प्रूवन होना चाहिए. मुझे टाइम मशीन बनानी है, बहुत ही यूजफुल है, बट वो नहीं बन सकता. इट्स नॉट एट ऑल फिजिबल. सो थिंक अबाउट फिजिबिलिटी फर्स्ट एंड देन मूव टू द एमवीपी. सो व्हाट इज द एमवीपी एंड पीओसी एज वेल. सो पीओसी इज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि जहां पे आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, डीप टेक पे काम कर रहे हो, आइडिया पे काम कर रहे हो, तो आपको एक सर्टेन वैलिडेशन बनाना होगा कि ये चीज होती है नहीं होती है. सो एक्सोकर में जब हम डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे तो हमें पीओसी बनाना था. तो पीओसी ऐसी चीज होती है या बहुत ही कम कॉस्ट में या फिर जीरो कॉस्ट में हो जाए. सो पीओसी के लिए हमने काफी चीप मटेरियल और चीप सेंसर यूज करके हार्डवेयर बनाया और मैटलैब में उस एआई का एल्गोरिदम बनाया, विच इज सफिशियंट टू प्रूव कि जो मेथोडोलॉजी है, जो थियोरी है, वो पॉसिबल है प्रैक्टिकली. It called a POC. And what is MVP? So MVP is something which you can sell to your consumers. And after once your consumers are using your product, then they get back to you and give you some fantastic ideas how you can improve your product. So this is a huge difference between POC and MVP. So how MVP should be? MVP ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक छोटी चीज बना रहे हो बट वो आगे जाके बड़ी होगी बट अभी किसी किसी के भी यूज में नहीं आने वाली. यहाँ पे कार का एग्जांपल दिया हुआ है कि जहाँ पे एमवीपी को चार स्टेज में डिवाइड किया है, कि फर्स्ट में सिर्फ कार है, सेकंड में दो सॉरी टायर है, सेकंड में दो टायर के साथ एक्सेल है, थर्ड में बॉडी है बट यूजफुल नहीं है, फोर्थ में कार बन रही है. सो दिस इज अ रॉन्ग पोर्ट्रेट टू एमवीपी. आप छोटी चीज बनाओ और उसमें आप फीचर्स और एक्सपांड करके फाइनल प्रोडक्ट बना के यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हो. कि जहाँ पे आपने स्केटबोर्ड बनाया, उसके बाद उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसके बाद साइकिल बने, उसमें इंजन डाल दिया, और उसके बाद आप कार बना रहे हो, तो सारे स्टेज में कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस है जो इसको यूज कर रही है, उससे आपको पैसा मिल रहा है, और उस पैसे को आप री इन्वेस्ट करके आप यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हो. सो दिस इज हाउ एमवीपी शुड बी. देन last thing is change your product according to your consumer's need. Never try to change your consumer's need. कि आप अपने कंज्यूमर को समझो, अपने कस्टमर को समझो कि वो क्या आपसे लेना चाहता है. आपकी प्रोडक्ट उस पर मत चिपकाओ कि काफी अच्छी है ले लीजिए. आप इन्वेस्टर को ऐसे मत कन्विंस करिए कि मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है. आपके कंज्यूमर्स कितने, आपके पास फीडबैक कितने हैं, उस हिसाब से आप अपनी पिच डेक बना सकते हो. So these are famous company logo. Can anyone tell me what is the name of the company and what the usability of the company?
हेलो, पूरे क्लास में किसी को भी नहीं पता कि यूट्यूब किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब फॉर शेयरिंग एंड वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू। राइट, सो यूट्यूब हम यूज करते हैं वीडियो शेयर करने के लिए, बट अर्लियर जब यूट्यूब फाउंड हुआ, जब फाउंडर्स ने यूट्यूब को बनाया, तब उसकी एक्चुअल जो यूजिबिलिटी थी वो वीडियो स्ट्रीम करना या वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं थी। यूट्यूब वॉज अ डेटिंग प्लेटफॉर्म, उन यूट्यूब को ऐसे डेटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था, बट कंज्यूमर की नीड थी कि उस पे हम जो भी चाहे वैसे वीडियो डाल सके, इसीलिए उसको डेटिंग ऐप से कन्वर्ट करके उसको वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। तो इट इज बेस्ट एग्जाम्पल कि आपके कंज्यूमर क्या चाहते हैं, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करिए, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस। द सेकेंड थिंग इज फार्मर, सो यहाँ पे आपके पास सीड है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप उसको नर्चर करेंगे, आपको फार्म उसको फार्म में बो दिया, उसको बाद उसके बाद आपको फार्मर्स की टीम चाहिए जो उसको कंटिन्यूअसली ग्रो होने में हेल्प करें। सो इट्स इक्वल टू द फाउंडिंग टीम की, जहाँ पे आपके पास आइडिया है तो एक टीम होनी चाहिए आपकी कि जो वो उस आइडिया को नर्चर करे, जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, और अपनी एक्सपर्टीज से उस आइडिया को कन्वर्ट करे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में। सो फाइंड द राइट सेट ऑफ पीपल फॉर द जॉब, कि अगर आपके स्टार्टअप में कोई टैग गाय नहीं है तो आप सीटीओ को हंट करना चाहते हो, तो सीटीओ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ में पढ़ता था या सिर्फ वो सीटीओ बनना चाहता था, उसके पास उस सारी चीजों के लिए स्किल सेट भी होना चाहिए। अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि पाइथन पे स्क्रिप्ट कैसे रन होती है, और उसको आगे नहीं आता है तो वो कैसे वो सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, उतनी अबिलिटी उसकी होनी चाहिए। इफ यू आर अ टेक गाय एंड यू आर प्लानिंग टू हायर समवन फॉर द बिजनेस पर्पजेस, सो उस बंदे को बिजनेस प्लान लिखना आना चाहिए कि बिजनेस प्लान कैसे लिखते हैं, इन्वेस्टर्स से कैसे बात करते हैं, वैलिडेशंस कैसे होता है, तो सारे बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में उसको पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड राइट काइंड ऑफ पीपल। तो कैसे इन सारे लोगों से मिले, तो बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कॉम्पिटिशन्स में बताया था, प्रीवियस में कॉम्पिटिशन बताई थी, आप वहां पे जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको आप हायर कर सकते हो या पिच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल डिजिटल एरा में आप लिंक्डइन है, ट्विटर है, वहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों को, और वहां पे कम्युनिकेट करके अच्छे लोगों को हंट करके आपके स्टार्टअप में ज्वाइन कर सकते हो। सो सोशल मीडिया का यूज यही सिर्फ यही नहीं है कि आप फोटो लाइक किया, कमेंट किया और चले गए, आप यूट्यूब सॉरी आप ट्विटर लिंक्डइन पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, आर्टिकल रीड कर सकते हो, और वहां से आप सोच सकते हो कि किस बंदे को हायर करना चाहिए। एंड अगेन आई नो यू लव योर फ्रेंड, बट दिस इज नॉट अ सफिशियंट स्किल टू हायर देम। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, बट आफ्टर अ ईयर्स और आफ्टर अ मंथ आपको पता चलता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब फ्रेंड है ना भी नहीं बोल सकते और काम भी नहीं कर रहा, तो वहां पे आप फंस जाओगे। एंड आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग ड्यूरिंग माई जर्नी इन एक्सोकेयर। सो डोंट ट्राई टू हायर योर फ्रेंड्स बिकॉज दे आर जस्ट योर फ्रेंड्स। थर्ड थिंग इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या करता है कि जो भी क्रॉप है उनको ग्रो होने में हेल्प करता है, वो फास्ट ग्रो होते हैं। बेसिकली जो सारी चीजें सॉइल में नहीं होती है वो फर्टिलाइजर से हम पौधे को दे सकते हैं। द सेम थिंग मेंटर कैन डू फॉर द स्टार्टअप, कि सारी चीजें आपको पता हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है, तो काफी सारी चीजें आप मेंटर से भी सीख सकते हो, एंड दैट्स व्हाई मेंटर्स आर इम्पोर्टेंट। ये तीनों चीजें जब होगी तब एक अच्छा सक्सेसफुल और फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बनेगा। ये एक अच्छा आइडिया है, अच्छी टीम है और अच्छे मेंटर्स है। अगर आइडिया पे काम कर रहे हो और टीम अच्छी है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बना ही लोगे अच्छा, बट
उस चीज को फास्ट करने के लिए आपको कोई चाहिए होगा जो आपको हेल्प करे, एंड द मेंटर कैन बी दैट गाय. सो हाउ यू कैन कनेक्ट विद द मेंटर, सो रीच आउट ऑन लिंक्डइन, मेल देम, जस्ट फाइंड देयर नंबर्स एंड मैसेज देम, मीटअप्स, कॉल आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एंड लेटर्स. सो लेटर्स यहाँ पे इसलिए है कि कुछ भी ग्रीटिंग्स है, लाइक बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उन सारी चीजों पर आप लेटर्स भेज के पर्सनलाइज टच दे सकते हो, एंड दिस इज ऑलवेज वर्क्स. सो दीज आर सिक्स मेथड्स यू कैन रीच आउट योर मेंटर्स. द नेक्स्ट स्टेप इज फंडिंग, कि सब कुछ हो गया, प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसके लिए मार्केटिंग के लिए बजट चाहिए, ऑपरेशन के लिए बजट चाहिए, लोगों को हायर करना है, तो कैसे करें? सो देर आर थ्री थिंग. फर्स्ट थिंग इज बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप मतलब आपके पास जो भी सेविंग में पैसे हुए हैं, आपने जो काम करके बचाए हुए हैं या आपके खुद के पड़े हुए हैं, उन पैसों को आप अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं. द सेकेंड थिंग इज एंजल इन्वेस्टर. एंजल इन्वेस्टर इज लाइक इट कैन बी योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, तो जो लोग आपको जानते हैं और जो लोग आपके स्टार्टअप में और आप में बिलीव करते हैं और आप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वेरी अर्ली स्टेज कि जहाँ पे कोई वीसी नहीं आ रहा है, कहीं पे ग्रांट नहीं मिल रही है, और दे जस्ट कैम एज अ एंजल एंड इन्वेस्ट इन योर स्टार्टअप अ स्मॉल अमाउंट. सो इट्स अ एंजल इन्वेस्टर. एंड द थर्ड वन इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, कि जहाँ पे वेंचर कैपिटल बेसिकली वो लोग होते हैं कि जो एक आपका जो स्टार्टअप है वो प्रूवन हो गया, आपके पास कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद आप आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं. सो देर आर फ्यू राउंड. फर्स्ट वन इज अ प्रीसीड, की जहाँ पे आप पीओसी डेवलप करने के लिए प्रीसीड ले सकते हैं. देन अ सीड राउंड टू डेवलप योर एमवीपी, एंड देन सीरीज ए बी सी अप टू जेड. सो दीज आर द राउंड वेयर यू कैन रेज योर फंड्स. सो दिस इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, की जहाँ पे आपको आइडिया आया, टीम के साथ डिस्कस किया, मेंटर से गाइडेंस मिली और पैसा इन्वेस्ट किया. सो एक साइकिल है, वैसे कंटिन्यूस साइकिल आपकी चलती जाएगी. आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, उसमें आप एक फीचर ऐड कर रहे हो, आप दूसरा फीचर ऐड कर रहे हो, तीसरा फीचर ऐड कर रहे हो, या नया प्रोडक्ट सेगमेंट ला रहे हो, तो उसके लिए ये सेम चीज फॉलो होगी कि आप जो भी आइडिया है वो टीम में डिस्कस होगा, एक्सपर्ट से डिस्कस होगा, उसके बाद उसका मार्केटिंग और प्रमोशन स्टार्ट होगा. सो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जब हमें लगता है कि हम बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी है इस फील्ड में, तो अब हम क्या करें? सो देर आर टू एग्जाम्पल, बी अ फर्स्ट मूवर और बी अ फास्ट मूवर. फर्स्ट मूवर मीन्स कि जो पायोनियर है इंडस्ट्री का, यही एक कंपनी होती जिसने स्टार्ट की होती है उस इंडस्ट्री को, पर्टिकुलर उस रीजन में, उस प्रोडक्ट में, उसको फर्स्ट मूवर बोलते हैं. तो नोकिया वॉज अ फर्स्ट मूवर इन सेलफोन इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब. नोकिया वॉज अ किंग फॉर द सेलफोन्स. इंडिया में मोर देन 90% लोग नोकिया का सेलफोन यूज करते थे, आज हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बट इट वॉज नोकिया वॉज अ फर्स्ट मूवर इन द इंडस्ट्री. वो लोग फर्स्ट मूवर थे बट फास्ट मूवर नहीं थे. कहीं ना कहीं वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए. जहां पे उनको शायद गूगल के साथ जाना चाहिए था, उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की, और रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, कंज्यूमर की हिंट्स नहीं समझ पाने की वजह से कंपनी खत्म हो गई. मोस्ट वैल्यूएटेड कंपनी आज कहीं पर भी नहीं है, बिकॉज वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करके फास्ट मूव नहीं कर पा रहे थे. सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि आप फर्स्ट मूवर हो बट फास्ट मूवर नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता. एंड द अदर हैंड, बी अ फास्ट मूवर. जब वन प्लस मार्केट सेगमेंट में आया स्मार्टफोन के, तब किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो कितना आगे तक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल और सैमसंग मार्केट लीड कर रहे थे, और वहां पे किसी स्पेसिफिक फोन कंपनी की जरूरत नहीं थी. एंड एस्पेशली जिस सेगमेंट में सैमसंग ऑपरेट कर रहा था, वहां पे वन प्लस के लिए जगह नहीं थी, बट स्टिल वन प्लस इतना फास्ट था, इतनी इनोवेटिव चीजें लाया, और उनके मार्केटिंग कैंपेन्स उतने यूनिक थे कि उसने खुद की एक अलग डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट की, और आज वन प्लस इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूज स्मार्टफोन ब्रांड. सो दोनों कंबाइंड भी हो सकती है. So the first mover and fast mover as well. So anyone can guess
which smartphone company is the first mover and the fast mover as well. So basically, Apple is the first mover and the fast mover company in the market segment. 2006 में maybe 8 में जब Steve Jobs ने first iPhone unreveal किया, उसके बाद वो लोग continuously innovations ला रहे हैं, अपने marketing campaign और अपने message को strong कर ले और aggressively वो लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो वो first mover भी है और fast mover भी है, इसीलिए आज तक कोई भी smartphone company ऐसी नहीं है कि जो Apple की valuation को और Apple की market reputation को challenge कर पाए. So be a first mover and fast mover as well. So let's start a pitch कि अगर आपको चांस मिलता है, आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हो और आपको पिच करना है, तो आप कैसे पिच कर सकते हो, आपकी पिच में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. सो द फर्स्ट मीन इज फर्स्ट टाइप इज एलिवेटर पिच. लेट सपोज आप कहीं पे जा रहे हो, किसी होटल में हो, फाइव स्टार होटल में हो, आप अपने फ्लोर पे जा रहे हो एंड ऑल ऑफ द सडन मुकेश अंबानी केम इन टू दैट एलिवेटर. So he's a huge investor and you should impress him with your idea. आपके पास सिर्फ 30 seconds है, maximum 30 seconds है. तो आप कैसे उसको impress कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि elevator pitch में आपने 20 second pitch किया और वो check sign करके चला जाएगा. Elevator pitch is something like that कि आपने 20 second उसको impress किया और उसके बाद वो अपना visiting card देता है और investment pitch के लिए बुलाता है, जहां पे आपको एक घंटा मिलेगा सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए. सो दिस इज एलिवेटर पिच कि वो शॉर्ट होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए. अगर आप डीप टेक स्टार्टअप रन कर रहे हो तो उसमें ऐसे इतने टेक्निकल वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि जो आम लोगों को समझ में ही ना आए, कि जहां पे लाइक वी हैव सम टेक्निकल वर्ड्स बट वी आर नॉट यूजिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन because we know they are unable to understand these words and they are lose their interest. So aise words mat use karo jo zyada common nahi hai ya aap zyada logo ko pata nahi hai. Jitna ho paye utna easy pitch ko rakho, short, informative and attractive. So exoguys elevator pitches, we are working on the most affordable and accessible diagnostic technology for Parkinson's disease. We have developed our portable hardware that can record human gait cycle, means walking pattern, and working on artificial intelligence that can accurately diagnose the disorder. So, इसमें सारी चीजें आ गई कि हम हार्डवेयर पे भी काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं. हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है और हम किस डिसऑर्डर को टारगेट कर रहे हैं और हमारा मेन एम क्या है, अफोर्डेबिलिटी. तो वो भी इस चीज में इसमें इंक्लूड है. सो आपकी पिच ऐसी होनी चाहिए कि ये सारी चीजें आप 20 सेकेंड में सामने वाले को कन्वे कर पाओ. द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट पिच. सो इन्वेस्टमेंट पिच आप दो तरह से कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग, कि जहां पे आपने क्यों इस आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया, आपने कैसे इस आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट. आप इन सारी चीजों को काफी स्टोरी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके, आपकी पिच में ऐड करके उस चीज को कन्वे कर सकते हो. आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ साथ आप अपने इमोशन को कन्वे कर सकते हो टू द ज्यूरी मेंबर्स और टू द इन्वेस्टर्स. एंड द सेकंड वन इज जस्ट नंबर्स, कि आप ग्रोइंग स्टार्टअप है, आपका ईयर ऑन रेवेन्यू क्या है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है, आपका चर्न रेट क्या है, आपके यूजर्स कितने बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है. सो यू कैन यूज द नंबर्स एज वेल. But the best way is combine the both these methods. Use the storytelling for your problem and solution and use the numbers for rest of the things, ki aapke revenue targets kya hai, competitors kya kar rahe. And the third thing is there is a 10-20-30 rule by Guy Kawasaki, ki jahan pe jo 10 hai wo slides of number hai, ki 10 number se zyada slides nahi honi chahiye, 20 से ज्यादा वर्ड किसी भी स्लाइड में नहीं होने चाहिए और 30 से कम किसी भी स्लाइड में फॉन्ट साइज नहीं होनी चाहिए. सो बेसिकली ये रूल्स क्यों सेट किए गए कि 10 स्लाइड इज सफिशिएंट टू पुट योर ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर पिच डेक. आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप अगर 30-35-40 स्लाइड की पिच डेक लेके जा रहे हो इन्वेस्टर को फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिलने के लिए. आप
उसके पास सिर्फ 1 घंटा है, तो आप 1 घंटे में उतनी सारी सारी चीजें उसको कन्वे नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप पूरी तरह से अपनी टाइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो यू हैव टू ट्राई कि आपकी जो सारी चीजें वो 10 स्लाइड्स में आ जाए। इट कैन बी अ 11 और 12 और 13, बट उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 वर्ड्स इसीलिए क्योंकि अगर आप सारी चीजें अपने प्रेजेंटेशन में ही लिख दे रहे हो तो फिर आप एक्सप्लेन क्या करोगे? तो 20 वर्ड में उतना इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए कि एक बार जब स्लाइड चेंज होती है तब उसको देखने के बाद लोग आपको सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका फोकस सिर्फ स्लाइड पे ही हो, वो सिर्फ पढ़ते रह जाए और आप एक्सप्लेन करके चले जाए और किसी को कुछ पता ना चले। एंड द साइज 30, बिकॉज जो फॉन्ट की साइज है वो उतनी कम नहीं होनी चाहिए कि वो लोग पढ़ ना पाए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एयरबीएनबी। सो एयरबीएनबी इज अ कंपनी बेस्ड इन यूएसए, कि जहां पे आप रूम बुक्स कर सकते हो और लोकल के साथ रह सकते हो, रादर देन बुक बुक द होटल। आप उसके कल्चर को किसी भी रीजन में जाते हो, वहां पे लोकल रूम बुक करने से क्या होगा कि आप उसके कल्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो एयरबीएनबी फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी कि जो हाउस होल्डर्स है वो लोग एक्स्ट्रा रूम या जो एक्स्ट्रा फ्लोर है वो एज अ रेंट, उसको रेंट पे देख के इनकम अर्न कर सकते हैं, और जो विजिटर्स है वो लोग होटल से कम पैसे में किसी अच्छी जगह पे रह के उसका वहां पे एक्सप्लोर कर सकते कि वहां का कल्चर क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट एयरबीएनबी इज डूइंग। एंड ये काफी अर्ली पिछले के उनका कि जब वो लोग प्री सीड रेज कर रहे थे इन मे बी 2015-16, तो 2016 का पिच डेक है कि जहाँ पे वो लोग पैसे रेज करने के लिए पैसा रेज करने ट्राई कर रहे थे। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिस शुड बी इन योर पिच डेक, कि जहाँ आप कौन से प्रॉब्लम और कौन सी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो। सो एयरबीएनबी आइडेंटिफाई की प्राइस बहुत ज्यादा है, जो होटल्स है वो कल्चरल फील नहीं दे पा रहे आपको, कहीं ना कहीं आउटसाइड पे आउटस्कर्ट्स में, और कोई एग्जिस्टिंग वे नहीं है कि आप लोकल के साथ इजीली रूम बुक कर पाओ। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटी की एयरबीएनबी ने आइडेंटिफाई की, उस पर काम करना स्टार्ट किया और उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली दिस इज हाउ सॉल्यूशन स्लाइड लुक लाइक, कि आप क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो और वो इजिली कन्वे होना चाहिए कि आप पैसे बचा रहे हो, पैसे बना भी रहे हो और कल्चर भी शेयर कर रहे हो। तो आपने जो सॉल्यूशन सोचा था वो आप कन्वे कर रहे हो यहाँ पे। इन द मार्केट वैलिडेशन कि कॉम्पिटिटर्स के पास ऑलरेडी कितने हाउस है रजिस्टर्ड, और सैन फ्रांसिस्को एनवाईसी में कितने हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है फ्रॉम 9 to 16। तो इस तरह से आप अपने कंपटीटर्स को एनालाइज कर सकते हो कि कितने लोग हैं, कितने यूजर्स हैं वो आपके कंपटीटर्स को की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और आप एज अ मार्केट वैलिडेशन उस चीज को यूज कर सकते हो। देन मार्केट साइज, सो मार्केट साइज इज लाइक कि कितने लोग हैं इनको जिनको आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस है वो सेल कर सकते हो। सो हियर दे जस्ट गिव एन एग्जांपल कि 1.9 बिलियन ट्रिप्स बुक होती है, उसका बजट 592 मिलियन डॉलर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप इस चीज को अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो कि कितने लोग हैं वो स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है और उसका आप कितना रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हो। तो दिस इज अ प्रोडक्ट स्लाइड, और इट यू कैन से इट्स अ डेमो स्लाइड कि जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट, तो आप एज अ डेमो दिखा सकते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैसी लगेगी, आपकी प्रोडक्ट है वो कैसे फंक्शन करेगी, उसका वीडियो हो सकता है, उसकी फोटोज हो सकती है, और जस्ट थियोरी हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है। देन बिजनेस मॉडल कि आप पैसे कैसे कमाओगे, कि आप कमीशन लोगे, आप नेट रेवेन्यू जनरेट करोगे सेल करके, या रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, आप लाइसेंस एज अ लाइसेंस फी लोगे कि आपने कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बनाया है उसके उसकी उसका लाइसेंस आप बेचोगे और उससे पैसे कमाओगे। तो बेसिकली यू शुड राइट योर बिजनेस प्लान हियर कि आप मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे और कंज्यूमर्स कैसे आएंगे और कितना रेवेन्यू होगा, आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है ईयर ऑन ईयर।
then your competition नो योर कॉम्पिटिटर्स बेटर, कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे दो स्किल है, एक है ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज अफोर्डेबिलिटी. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए, लोग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सेगमेंट में फॉल कर रही है. तो यहाँ पे hotels.com है वो एक्सपेंसिव है बट ऑनलाइन है. सो Airbnb सबसे सबसे बेटर कैसे है कि वो अफोर्डेबल भी है और ऑनलाइन भी है. बाकी सारे जो कंपनीज है कंपिटिटर्स है वो या तो अफोर्डेबल है या तो ऑनलाइन है या तो दोनों में से कुछ भी नहीं है. तो बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स है जो आपको मिल जाएंगे अपने स्टार्टअप के लिए, कि आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आप कौन से स्टार्टअप या आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो. आप फीचर्स की चेकलिस्ट दिखा सकते हो, इस तरह से कोई किसी और पैरामीटर्स को पोर्ट्रे कर सकते हो. देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, की किसी को भी आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आप में क्या बेटर है जो उनमें नहीं है. सो इट कैन बी अ टीम और इट कैन बी अ पैटेंट और इट कैन बी अ योर ग्रोथ और इट कैन बी अ इन्वेस्टमेंट. इनमें से कोई भी चीज हो सकती है कि आपकी टीम के पास इतना एक्सपीरियंस है कि कंपटीटर्स आपको टेक ओवर नहीं कर सकते. आपके पास इंटेलेक्चुअल राइट ऐसे है कि आपके पास ट्रेडमार्क्स है, पैटेंट है, कि वो लोग उसको ब्रिज नहीं कर सकते, इसीलिए आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. सो यू हैव टू मेंशन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हियर, सो इन्वेस्टर को पता चलेगा कि आप डिफरेंट कैसे हो. देन योर टीम की, आपकी टीम में कितने मेंबर्स है और जितने भी कोर मेंबर्स है वो लोग क्या करते हैं, जो सीईओ है सीटीओ है उनका एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. देन योर एडवाइजर्स, कि आपकी बोर्ड में कैसे लोग बैठे हैं, कि कैसे लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं, उन लोगों के पास बेसिकली कितने साल का एक्सपीरियंस है और वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में. सो यू हैव टू मेंशन योर एडवाइजर इफ यू हैव एनी. देन योर अचीवमेंट्स, कि आपने अब तक क्या क्या अचीव किया है, कौन सी कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, उसमें कितने में आप जीते हो, रनर अप है, वॉट एवर इट इज, आप अपनी अचीवमेंट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. देन टाइमलाइन, की आप जो अपना स्टार्टअप है उसको आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कहाँ पे देख रहे हो और आपके क्या प्रोजेक्शन है कि इतने टाइम में हम प्रोडक्ट डेवलप कर देंगे, उसके बाद इतने टाइम में हम उसका मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टीम एक्सपांड करेंगे, हम डिफरेंट रीजन्स में स्टार्ट करेंगे, एक्सपांड करना डिफरेंट कंट्री में स्टार्ट करेंगे, तो उसके प्रोजेक्शंस आपके यहाँ पे होने चाहिए. डजंट मीन कि आपको उसको कंप्लीट करना है, बट आपका गोल ये है और आप उसके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए स्ट्रेटेजी आपने डेवलप की है, तो वो आपको इन्वेस्टर के साथ शेयर करनी है. एंड द लास्ट थिंग इज थिंक फास्ट एंड एग्जीक्यूट फास्टर. ऐसा मत करना कि आप बस सोचते रह जाओ कि करना है करना है करना है और कोई और करके अपना स्टार्टअप बना ले. नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव. Yes. There are two questions over here in chat. One is how to come up with an idea, which means that how to find an idea, and the second one is when to go out and look for funds. Okay, the first one is how to come up with an idea. So आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेट सपोज वी आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, की काफी सारे कार्स हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हो, उसके ऑपरेशंस कैसे चेंज कर सकते हो, उसमें क्या टेक्निकल एडवांटेजेस आप ले सकते हो, कि काफी सारे लोग जो मास है वो कार यूज करता है, वो कार को यूज करना छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे. सो बेसिकली क्या होगा कि उससे ट्रैफिक कम हो जाएगा, कि जो 100 लोग अलग अलग कार्स में जा रहे थे वो सिर्फ एक बस में जा रहे हैं.
तो इस तरह से ट्रैफिक रिड्यूस हो सकता है, बट द थिंग इज कि एक्यूरेट टाइमिंग पे बसेस नहीं है, टोटल बसेस अवेलेबल नहीं है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है. सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है. आप किसी भी सेक्टर को पकड़ लीजिए, अगर हेल्थ केयर है तो इंडिया का हेल्थ केयर इतना रिफॉर्म होना चाहिए कि आप अगर आज काम स्टार्ट करते हो तो 100 साल तक काम खत्म नहीं होने वाला, उतना काम है आपके पास. आपको टेक्नोलॉजी आप टेक्नोलॉजिकल उसको एडवांटेज दे सकते हो कि डिजिटलाइजेशन नहीं है अभी, आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो. जो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज है वो एआई के साइड बिल्ड हो रही है फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज में, आप उसको इंडिया में ला सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस ईवी है एंड देन रिन्यूएबल एनर्जीज है. तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप किसी भी एक प्रॉब्लम पे देखेंगे तो वहां से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस आप खुद ढूंढ पाएंगे. एंड वेन टू गो आउट एंड लुक फॉर द फंड्स, जब आपको जरूरत हो. अगर आपको लेट्स थिंक अबाउट द फंड्स, तो बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि हम फंड्स लेना चाहते हैं बट हमारे पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास एमवीपी नहीं है, पीओसी नहीं है. तो फर्स्ट गो फॉर द आइडिया वैलिडेशन. अगर आपके आपने वैलिडेट कर दिया है सो थिंक अबाउट टीम. आपके पास ऐसी टीम है जो पीओसी बना सकती है तो पहले पीओसी डेवलप करिए. पीओसी इतने कम कॉस्ट में करिए कि पॉकेट मनी से हो जाए या फ्री में हो जाए. उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि एमवीपी के लिए पैसे चाहिए देन जस्ट गो फॉर द फंड्स. अदरवाइज जब तक आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है तभी फंड्स के लिए जाइए. अदरवाइज फंड ऐसा ही सोचिए कि जितना रेवेन्यू हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका जो रेवेन्यू आएगा उसमें से ही सर्वाइव कर लेंगे, फंड्स की हमें जरूरत नहीं है अभी. और फिर भी फंड्स चाहिए आपको रेज करना है तो जब आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो तब अच्छे वैल्यूएशन पे फंड रेज कीजिए. एंड वंस यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप देन ये सारी चीजें डेली हैबिट्स में आ जाएगी. तो आपको खुद को गट फीलिंग आएगी, आपके एडवाइजर्स होंगे जो आपको एडवाइस कर पाएंगे, मेंटर्स होंगे जो आपको बता पाएंगे कि आप अभी फंड रेज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या वैल्यूएशन होना चाहिए. सो इट्स अ वेरी क्रूशियल एंड डिफिकल्ट टास्क टू आइडेंटिफाई योर स्टेज की यहाँ पे फंड्स की कितनी जरूरत है और वैल्यूएशन क्या होना चाहिए. सो आस्क द इंडस्ट्री एडवाइजर. सो नॉट अ क्वेश्चन बट यू कैन शेयर फ्रॉम क्वेश्चन. So one of the students have asked to share your personal experience, either it good or bad, that they should take that thing in mind while starting a startup. Yes. So good and bad things we should take. Just a second. So basically, अगर स्टार्ट करना चाहते हो आप स्टार्टअप तो कभी भी ऐसे लोगों से रिव्यू मत लीजिए जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है स्टार्टअप का, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, ऐसे लोगों के सजेशंस को ज्यादा माइंड मत कीजिए जो लोग आपके कंज्यूमर्स नहीं होने वाले. वैलिडेशन पे ज्यादा फोकस रखिए. जितनी भी नेटवर्किंग इवेंट्स है, सेशंस है, वो सारी चीजें आप अटेंड कीजिए. उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आप काफी अच्छे लोगों से मिलेंगे, आपके इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे. फर्स्ट डिसाइड कि आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कि आपको हेल्थ केयर में करना है, मेडटेक में करना है, डिफेंस के लिए करना है, एरोस्पेस में करना है. तो वहां पे उस स्पेस के मेंटर्स से बात कीजिए एंड देन डिसाइड कि आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हो. और जो चीजें नहीं करनी है वो मैंने बता दी कि ऐसे लोगों से क्वेश्चंस मत कीजिए जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं और जो आपके कंज्यूमर्स नहीं बनने वाले हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यूजर कैन रजिस्टर ओन स्टार्टअप और कंपनी एंड व्हाट विल बी कॉस्ट फॉर द सेम. सो बेसिकली
अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट को अवेल करना चाहते हैं तो आपको एज अ प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी लिमिटेड लाइबल पार्टनरशिप फॉर्म बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ। उसके लिए आपको डायरेक्टर नंबर और सारी चीजें लगेगी, तो आप सीए को कंसल्ट कर सकते हो उसके साथ। कब बनानी चाहिए? तो अगर आपको लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है या मिलने वाली है, तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलने के बाद करिए। अगर आप खुद से स्टार्ट कर रहे हो, अभी गवर्नमेंट फंड का कोई प्लान नहीं है, तो कुछ रजिस्टर्ड मत कीजिए। एक एडवांटेज है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड टू रजिस्टर योर कंपनी लाइक ईयर बिफोर की 10 साल से पहले। अगर आपको कुछ करना है तो आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती थी। आप अभी जस्ट आप इंस्टाग्राम पेज पे अपना अपनी शॉप बना के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एंड अनअकैडमी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। उन लोगों ने एक एज अ यूट्यूब चैनल अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, एंड नाउ इट्स अ यूनिकॉर्न। देयर वैल्यूएशन इज मोर देन 1 बिलियन। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कब खर्चा करना है। आई विल सजेस्ट कि जब तक ऐसा नहीं है कि आप कंपलसरी आपको करना है सर्टेन रेवेन्यू पे अगर आप आ जाते हो, या फिर गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस के लिए करना है, देन जस्ट रजिस्टर योर कंपनी। अदरवाइज डोंट टेक दैट स्ट्रेस एंड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस काइंड ऑफ थिंग। वेयर यूजर कैन रजिस्टर हिज ओन स्टार्टअप। ओके, सो एंड द कॉस्ट इज अराउंड 7 to 10,000 डिपेंडिंग ऑन योर सी ए हाउ इट विल चार्ज। आई रजिस्टर्ड माई कंपनी एट एंड द कॉस्ट वॉज 9,000 रुपीज इन 2018। सो आप सी ए से कंसल्ट कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वहां से भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। आप खुद नहीं कर सकते, आपको सीए और सीएस कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। Okay, anyone else have any question? Please ask. Okay, Tejas sir, so should we take one more screenshot for this session? Yes, ma'am. Yes. Okay, so I request all the attendees to turn on their camera, please. Yes, everyone. Participant, please turn on your camera. Okay, thank you guys. Thank you so much. Thank you so much, sir. So, before proceeding further, for a word of thanks, I just want to make a little announcement here. A quiz will be conducted, okay, and the link will be shared soon in the chat window. So please be connected, okay. So, honorable and respected Professor Dharmesh Darji, valuable staff members, and invited students, it is my privilege to offer thanks on this occasion. I, Professor Neha Rajput, on behalf of my entire organization,
would like to express our sincere thanks for today's speaker and expert, Mr. K.U. Patel, for giving best knowledge about the topic and showing gratitude for exposing his theory for the same. Okay, we all are very much inspired by your great words and the experience that you have shared about your journey. I would like to end up the session here. Thank you again for your time and support. The quiz link is shared in the chat window. So participant, kindly go through it and attempt the quiz. Thank you so much again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Kindly go through the quiz. Okay guys, once you're done the quiz, you can leave.